पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे, क्योंकि संसद भवन में जब आप लोगों ने दूरियां बनाई तो आपने कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान नहीं हुआ, लेकिन आज क्योंकि विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, जिसमें से आपके भी मुख्यमंत्री कुछ थे जो नहीं वहां पर शामिल हुए, तो सवाल उठता है कि क्या ये जो बॉयकॉट है यही एकमात्र जरिया है कि जैसे आजकल फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, कोई भी फिल्म आती है तो आने के पहले ही बॉयकॉट मुहिम शुरू आती है, तो कोई भी कार्यक्रम मोदी जी का होगा तो क्या उसका बॉयकॉट पहले से तय हो जाएगा और यही काट है विपक्षी एकजुटता को दिखाने की? चुप कर बे कुत्ते। देखिए, मुझे लगता है कि प्लानिंग कमीशन का बायकॉट मोदी जी का बायकॉट नहीं, पहली चीज। नीति आयोग का बायकॉट मोदी जी का बायकॉट नहीं, और नीति आयोग के बायकॉट को आप एक फिल्म के बायकॉट से तुलना करें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। शर्म करो, भगवान से डरो। अभी बहुत बड़ा चिंता का विषय, एक देश में जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है और जो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग है उसका एक अपना महत्व है, अगर 10-10 राज्यों के मुख्यमंत्री उसका बायकॉट कर रहे हैं तो इसके पीछे वास्तविकता देखनी चाहिए। इसके पीछे ये नहीं देखना चाहिए कि मोदी जी का बायकॉट कर दिया, मोदी जी का बायकॉट कर दिया। मीडिया के साथियों को भी इसकी गंभीरता को समझना होगा। मोदी जी कोई देवी देवता नहीं है, उनका बायकॉट कर रहे हैं या कोई वहां पर वो बायकॉट करने से किसी को कुछ मिलेगा, इसके पीछे मूल कारण में जाना होगा और मीडिया के साथियों को भी सवाल उसी तरह से फ्रेम करने होंगे। 10 मुख्यमंत्री अगर एक देश में एक संवैधानिक संस्था का अगर बहिष्कार कर रहे हैं उसकी मीटिंग का, तो मुझे लगता है बहुत सीरियस विषय है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का जो मुख्य मुद्दा उठा उसके लिए, और जिस तरह से विभिन्न जो गैर भाजपाई राज्य हैं उनमें किस तरह से भेदभाव किया गया, तो इन तमाम सवालों के जवाब तो बीजेपी को देने कि भाई 10-10 मुख्यमंत्री आपके नहीं आ रहे हैं, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, संसद में उद्घाटन करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप निमंत्रण तक नहीं देते हैं, तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास हो रहा है और क्या इस संविधान का पूरी तरह से अपमान नहीं है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि टीएमसी के किसी व्यक्ति ने, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, अगर कोई गलत शब्द कहा था तो क्या इसलिए आपने नहीं बुलाया उनको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय को? मान लीजिए अगर अधिरंजन चौधरी के मुंह से गलती से राष्ट्रपति निकला, और जो हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी लोग होते हैं अक्सर इस तरह की गलती हो जाती है, उन्होंने माफी भी मांगी, तो इन दोनों ने गलत शब्द का इस्तेमाल गलती से किया, इसलिए आप राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुला रहे, क्या ये तर्क है? मुझे नहीं लगता कि ये तर्कों में दम है। तर्क केवल एक ही है कि मोदी साहब नहीं चाहते कि शिला पटल पर किसी का भी नाम हो। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति महोदय दोनों क्योंकि प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर हैं, अगर वो समारोह में आएंगे भी तो भी कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस मोदी साहब को नीचे करेगी प्रोटोकॉल के अनुसार। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यू आर राइट ब्रो। क्या ये जो सावरकर जयंती के दिन होना, सेंगोल को लेकर थ्योरी आ रही है, ये भी बॉयकॉट की वजह है या ये चीजें अहमियत नहीं रखती हैं, केवल राष्ट्रपति जी के सम्मान वाली बात ही अहमियत रखती है? वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रपति जब बन गई उसके बाद भी उनको आदिवासी बनाकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने अभी कर्नाटक के चुनाव में वोट मांगे हैं, तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो आदिवासी रही बीजेपी के लिए और उनके नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज उनका अपमान उनको नहीं दिखता है। अब बात आती है बायकॉट की। विरोध दर्ज करना लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतीकात्मक है। आप बार बार पूछ रहे हैं सांसद बन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बीजेपी ने तो दो दो महीने 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 पूरा संसद का बायकॉट किया, क्या वो वापस गए कि नहीं गए? बायकॉट करना लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने कहे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तमाम टिप्पणियां हैं, लेकिन शायद आजकल पता नहीं है लोगों को। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया से हम सीखें, पार्लियामेंट का अगर यही और इस्तेमाल होगा जैसे ललन सिंह ने कहा भी होती है किसी, आप इसके साथ है कि नहीं? माफी चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई है, मैं कभी इंटरव्यू नहीं सुनिए ना भाई। नहीं नहीं आलोक जी, ललन सिंह ने, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, शहजाद ने सवाल पूछा था। आलोक जी, आलोक जी बैठा हूं, आलोक जी वो माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा, बिल्कुल आलोक जी आपका समय है, आप ही को अधिकार है बोलने का, लेकिन माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि जेडीयू ने कहा है कि संसद भवन को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, वो कह रहे हैं बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा, आपका जेडीयू की उस थ्योरी से इत्तेफाक रखते हैं जो ललन सिंह ने कहा, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आजकल एंकरों को सीधे पीएमओ से फोन आ रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे आपको रोकना चाहिए शहजाद को, कि शहजाद आप रुकिए पहले, मैंने उन्हें रोका, अगर मैंने उन्हें रोका भी, टोका भी, उन्होंने माफी भी मांगी, व्यवहार किया शुभांकर जी, शुभांकर, शुभांकर सुनिए जरा, हम लोग बेवकूफ नहीं है, जिस तरह से आपने जेडीयू के प्रवक्ता से व्यवहार किया पूरे देश ने देखा, शांति से सुनिए मेरी बात को। आप बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, अगर यही बात ऑस्ट्रेलिया वाली
अगर किसी कांग्रेस ने के लीडर ने या राहुल गांधी जी ने कह दी होती कि लोकतंत्र की प्रक्रिया या लोकतंत्र का पाठ ऑस्ट्रेलिया से सीखें, तो आप एंकर लोग हमारे कपड़े फाड़ लेते। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आज मोदी जी के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछने। अब हम पूछना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे मोदी साहब, ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के बच्चों को एडमिशन देने से बैन किया हुआ है, क्या मोदी जी ने उस पर बात की? क्या देश के प्रधानमंत्री का ये काम है कि वहां पर सरकारी पैसे से हूटिंग कराने लग जाएं, वहां पर कहें ये हुआ वो हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी है। एक बार और ऑस्ट्रेलिया गए थे ठेका दिलवाने, लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते। अब वापस आता हूं, एक मिनट रुकिए जरा। संगोल की बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है केड़ा, बीच में ना बोल। मेरे बड़े भाई, सुनिए ना भाई, आप झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए, एंकर को बहिष्कार कर दोगे, झूठ का सहारा लोगे। सुनिए ना जरा, सुनते नहीं आप लोग, यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, यही प्रॉब्लम है। वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का पैसा था, भारत की सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जो 5 राज्यों के बच्चे बैन है उसके ऊपर बात हुई? देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, यूक्रेन से जो हजारों बच्चे आए थे क्या वो दोबारा एमबीबीएस में एडमिशन ले पाए? अरे इन सवालों पर उत्तर होना चाहिए। अब बात करती है भारतीय संस्कृति की, कि संगोल, फिर वही कहानी यार, रुको ना जरा भाई, मैं चुप हो जाता हूँ, फिर यार आप बोल लो। जयराम रमेश, संगोल की बात, भारतीय संस्कृति का अपमान, 6 वर्ष तक यार मैं चुप हो जाता हूँ भाई, आप लोग बोल लो, आप लोगों के चैनल है, आप लोग बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। आलोक जी, आपने लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर की, मैंने खामोशी से आपको सुना। मेहमानों का मुंह हम नहीं बंद करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जेडीयू प्रवक्ता को लेकर जो आपने मुझ पर आरोप लगाया, क्या सवाल हम चुप हो सकते हैं? सर, मैंने आपको खामोशी सुना सर, आप मेरे मेहमान हैं, आपका सम्मान है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, बड़े भी हैं मेहमान, बहुत बीजेपी वाले केवल आपके मेहमान हैं। नहीं सर, आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको समय भी दिया, मैंने जेडीयू को भी समय दिया, और मैं फिर कह रहा हूँ बाकी कोई मेहमान नहीं, मैं आपसे, मैंने शहजाद से भी, चाहे वो सावरकर जी को लेकर हो या बाकी विषय हो, जेडीयू को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में नहीं बसता हूँ। आजकल प्रवक्ताओं की आदत हो गई है सीधे एंकर पर सवाल खड़े करना, होंगे कोई और एंकर, किसी की व्यक्तिगत नहीं होंगे सर, वो एंकर जो एक पार्टी का पक्ष लेते होंगे, सीधा उत्तर दे रहा हूं। नहीं नहीं आलोक जी, लेकिन आप लोगों को आलोक जी होंगे वो दूसरे एंकर जो किसी पार्टी का पक्ष लेते होंगे। जितने मेहमान आपकी पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैंने हर मेहमान को बराबर वक्त दिया है, और आप इस तरह से आरोप मत लगाइए। मैंने आपको समय दिया, मैंने जेडीयू से सवाल पूछा उनके अध्यक्ष के बयान को लेकर, और फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, बात जेडीयू के अध्यक्ष का बयान था कि हम नई संसद भवन का किसी और काम में इस्तेमाल करेंगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट को लेकर अगर उनसे मैं 4 बार उनका क्लेरिफिकेशन मांग रहा हूं, तो यह आरोप नहीं है सर। मैंने भाषा सहज रखी और सिर्फ इतना पूछा उनका स्टैंड क्या है, और ये सवाल पूछना गलत नहीं है। तो देने दो, आप जवाब देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू की उस बात का आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ललन सिंह के बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? बोलते रहिए, आपके पास समय सर, आप इत्तेफाक रखते हैं ललन सिंह के बयान से? सुभाषकर जी थोड़ा ज्यादा कृपालु है जनता दल यूनाइटेड पर, मुझसे ही बोलते रहिए, आप बोलते रहिए शुभांकर जी, लोग देख रहे हैं आप लोगों की धूर्तता, बोलने मत दो किसी को सर, खामोशी से आपको सुना जा रहा, आप जवाब नहीं दे रहे, धूर्तता कहते हैं इसको, आपको समय दिया सर, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ना, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप। मैं आलोक जी आपको समय दे रहा हूं, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो मैं माफी भी मांग रहा हूं, आपको समय है, आप चुप रहिए, अगले 2 मिनट आपके लिए, आप जवाब तो दीजिए सर, आप मुद्दों पर स्टैंड तो रखिए। सुनिए आप जरा शांति से, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप चुप रहिए, ठीक है? कवाली बेइज्जती, अगले 2 मिनट आप। पहला सवाल भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति क्या जो संगोल म्यूजियम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल से थे तो उस समय पर संस्कृति का अपमान नहीं हुआ था क्या? म्यूजियम पे ताला लगा हुआ था? ये 9 साल से मोदी जी थे, मोदी जी ने अपने बगल में क्यों नहीं रखा इस संगोल को भाई? ये जितने प्रतीक थे समाप्त होकर और हमारा संविधान आया, लेकिन संगोल के पीछे पड़ा हिंदुस्तान का मीडिया। मुझे लगता है सोचना चाहिए आप लोगों को, अगर उसी से सम्मान हो रहा था तो 9 साल से सम्मान कहां था? लेकिन आप उस चीज पर नहीं पूछ पाएंगे। जहां तक बात जेडीयू के अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी की है, उनका अपना बयान है, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, और जिस तरह से ये संसद की इमारत बनी है, एक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? हिंदुस्तान के किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से पूछ ले? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बात तो सही है, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, अरे सरकार इनकी है भाई, सबका साथ सबका विकास के नारे की बात करते हैं, और एंकर एक सवाल नहीं पूछ सकता कि इसके लिए एक बार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? एक कोई महिला सांसद थी या मुझे नहीं पता, मुझे दिख नहीं रही है, उन्होंने कहा संसद संसद, अरे भाई सांसद तो और भी होंगे।
अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह।